असल में जो आज आप ये देख रहे हैं एनुअल फिशिंग डे जो आज यहाँ पे चल रहा है, यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए। इस मेन चीज़ का मसला यही है कि सफाई हो रहा है, फिशिंग इसमें एक बहाना है। असल में इस चीज़ की सफाई हो रही है, इन नागों की सफाई हो रही है। लेकिन सबसे ख़ास मकसद जो इसका है वो ये है कि हम अपने ये जो वाटर बॉडीज़ है, ये जो हमारे यहाँ स्प्रिंग्स है, इनको साफ़ करें। तो ये जो फिशिंग वगैरह का प्रैक्टिस है, ये जो सेकेंडरी मोटिव होता है इसका। बहुत बहुत खुशी महसूस होती है जब हम ऐसे आते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई फिशिंग वगैरह भी नहीं करते, लेकिन लोग दूर दूर इलाकों से आते हैं और इस मंज़र का नज़ारा देखने के लिए दूर दूर इलाकों से। पहले यहाँ के ही गांव के आते थे लोग, लेकिन अब थैंक्स टू यू के अब बाकी गांव से भी आते लोग जो है इस मंज़र का नज़ारा मज़ा लेने के लिए आ जाते हैं। जब मेरा दादा जिंदा था उस टाइम उसने अपनी ज़ुबान से बोला, मेरे को भी अब पता नहीं कितने सालों से ये चल रहा है, जब से दुनिया कायम हो गई तब से हमारे साल में एक दिन मनाते हैं हम ये एनुअल फिशिंग डे। इस दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं कब ये दिन होगा, तो उस दिन हम ये एनुअल फिशिंग डे मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे कश्मीर में ये फेस्टिवल जो है आप कहीं पे मनाया नहीं जाता है, कहीं पे नहीं देख सकते हो ऐसे फिशिंग, ऐसे वाटर बॉडीज़ को साफ़ करते हुए। तो ये इस कहीं ना कहीं इस गांव की पिक्युलैरिटी भी है कि खाली यहीं पे ही ये इनिशिएटिव यहाँ से जाता है।